इट्स पॉजिटिव. जतिन, आई लव यू सो मच. आई लव यू टू. आई रियली लव यू. कम. यू नो ललिता, दिस इज द बेस्ट गिफ्ट वी कुड हैव एवर गॉट ऑन आवर एनिवर्सरी. आई नो. You happy? I am really happy. You sit properly. Okay. मुझे तुमसे कुछ कहना है. मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी. तुम बोलो. पहले तुम बोलो. बोलो ना. I guess ladies first. तुम बोलो. कुछ खास बात नहीं है. वो मैंने तुमसे एक झूठ बोला है. कैसा झूठ? वो बोलो. एक्चुअली प्यार तो करती हो ना? करती हूँ प्यार. इसलिए तो झूठ बोलना पड़ा. इसीलिए नहीं चाहती कि हमारे नए परिवार की शुरुआत झूठ की बुनियाद से हो. क्या बोल रही है? इसीलिए आई हैव टू टेल यू. जतिन, मेरा नाम ललिता शर्मा नहीं, ललिता सुंदरम है. मजाक कर रही हो? क्या बोले जा रही हो यार? हाँ, और मुझे मेरे मामा मामी ने नहीं, मेरे अम्मा अप्पा ने बहुत लाड से पाला है. मैं तमिलनाडु के एक छोटे से शहर से हूँ. अम्मा अक्का यानी कि बड़ी दीदी. एक छोटी सी मिडिल क्लास फैमिली. पापा गवर्नमेंट सर्वेंट थे. पैसे थोड़े से कम थे लेकिन हम सब बहुत खुश थे. अप्पा ना हमेशा बोलते थे कि जिसकी लक्ष्मी और सरस्वती जैसी दो बेटियां हों उसे और क्या चाहिए. अक्का मुझसे 5 साल बड़ी थी और मेरी सबसे अच्छी दोस्त. हम दोनों पढ़ने में बहुत अच्छे थे पर अक्का हर चीज में परफेक्ट थी. पढ़ाई में, भरतनाट्यम में, क्राफ्ट में. इसलिए कॉलेज की पढ़ाई खत्म होते ही अक्का बड़े शहरों की बड़ी बड़ी कंपनीज में अप्लाई करने लगी. इसमें पढ़ने लेना. अक्का मुंबई चली गई. अम्मा अप्पा वर वरीड. अकेली लड़की, नया शहर, नए लोग, नया कल्चर, कैसे मैनेज करेगी. बट शी मैनेज्ड ब्यूटीफुली. इनफैक्ट अक्का को तो प्रमोशन भी मिला. एवरीथिंग वेंट फाइन टिल शी फेल इन लव. उन्हें एक पंजाबी लड़के से प्यार हो गया. अक्का ने बताया कि वो शादी करने वाली है. You know, अम्मा अप्पा वर सो वरिड. उनको कितना समझाया लेकिन वो उस लड़के के प्यार में इतनी सुदबुद्ध खो चुकी थी कि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया. और ठीक 10 दिन बाद हमें एक शादी का कार्ड मिला और एक चिट्ठी. माय डियर पापा, कार्ड में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. आप सब आते तो अच्छा लगता पर आई कैन अंडरस्टैंड. बेटी लव मैरिज कर रही है वो भी एक पंजाबी लड़के से. मैंने आपको और मम्मी को बहुत दुख पहुंचाया है पर पापा प्यार करना कोई गुनाह तो नहीं. छोटी मेरी तरह रिबेल नहीं है. आई एम श्योर वो ज़रूर आपके पसंद के लड़के से ही शादी करेगी.
आपकी बेटी कविता। इस चिट्ठी के बाद अक्का ने कभी कॉल नहीं किया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी अक्का इतनी सेल्फिश निकलेंगी। अम्मा पूरा दिन रोती रहती थी और अप्पा उनका कॉन्स्टेंटली बीपी हाई रहता था। मैंने भी डिसाइड कर लिया कि मेरे कॉलेज खत्म होने के बाद मैं मुंबई जाऊंगी अक्का से मिलने। पर मेरे जाने से पहले एक दिन अचानक अक्का घर वापस आ गई। जानते हो जिस लड़के के लिए अक्का ने हमको छोड़ा, उस लड़के ने अक्का को नहीं अपनाया, उनकी शादी नहीं हो पाई। जानते हो क्यों? क्योंकि उसकी मां को साउथ इंडियन बहू मंजूर नहीं थी। हम अक्का को लेकर बहुत परेशान थे। जब अप्पा को हार्ट अटैक हो गया, अम्मा ने और मैंने किसी तरह अप्पा को संभाला, पर अक्का उनकी हालत वैसी ही थी। अक्का अपना पहला प्यार भुला ही नहीं पा रही थी। अक्का, इस सब के बीच में मैंने जैसे तैसे अपनी पढ़ाई पूरी की। अप्पा बीमार रहते थे इसलिए उन्होंने प्रीमैच्योर रिटायरमेंट ले ली। पैसों की भी कमी थी। मैंने जैसे तैसे अपनी अम्मा को समझाया और मुंबई आ गई नौकरी के लिए। मुंबई आने के पीछे मेरा एक मकसद और था जो मैंने अम्मा को नहीं बताया। मुझे उस आदमी से मिलना था जिसने मेरी अक्का की जिंदगी को तहस नहस किया। पर अनफॉर्चुनेटली तुम्हें उस आदमी का छोटा भाई मिल गया। तुमने उसे प्यार का नाटक करा और उससे शादी करी, वो भी झूठ मूठ की। वाह ललिता सुंदरम, क्या नाटक कर रहा है। वेल डन। नाटक? कैसा नाटक, कैसा बदला? बोल क्या रहे हो जतिन? आई थिंक मैं जो बोल रहा हूं ना सही बोल रहा हूं। मेरी फैमिली के साथ जो हुआ वो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते जतिन। हाँ इमेजिन नहीं कर सकता, पर मैं ये भी इमेजिन नहीं कर सकता कि एक लड़की अपनी बहन का बदला लेने के लिए इस हद तक जा सकती है। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत होती तो तुम मेरे भाई से कन्फ्रंट करती, पर तुमने ऐसा नहीं किया क्योंकि तुम्हें बदला जो लेना था। मैंने तुमसे शादी इसलिए करी बिकॉज आई फेल इन लव विद यू एंड दैट हैपेंड इवन बिफोर आई मेट योर ब्रदर। तुम्हें याद है ना हम पहली बार कब मिले थे? उस दिन हम दोनों ही लेट हो रहे थे और हम दोनों ने एक ही रिक्शा रोका। इसके बाद भी हम कई बार मिले बाय चांस। हम एक दूसरे को मिलकर खुश होते, कुछ देर साथ भी चलते, पर कभी एक दूसरे के बारे में नहीं पूछते क्योंकि हर बार हमें यह लगता था कि शायद वही हमारी आखिरी मुलाकात है। उसके बाद हम फिर मिले। तुम्हें याद है जतिन तुमने कहा था कि दिस इज नॉट बाय चांस, ये ऊपर वाले की प्लानिंग है। उस दिन लिफ्ट खराब थी, मुझे फिफ्थ फ्लोर जाना था और तुम्हें सेवेंथ फ्लोर। मैं अपनी फ्रेंड के घर जा रही थी और तुम अपने भाई के घर। सो वी मीट अगेन।
meeting here? I think it's our fifth or sixth meeting. I think मुझे लगता है मैं ना तुमसे प्यार करने लगा हूँ. Are you sure? I mean. Oh. Oh. भैया. बढ़िया. वो अभी मैं बुला. हाँ. मुझे बोल रही थी कि मैंने जतिन को बोला क्योंकि उसकी कुछ सही भी आ रहा है. हाँ. शायद तुझे कुछ पसंद आ जाए. Miss. ललिता शर्मा. तू इनको भी बोल दे और मम्मी और भाभी से मिलवा. मैं लेके जाओ. मैं जा रहा हूँ. भैया को तो तुमने वही पहचान लिया था, फिर झूठ क्यों बोला? सच बोलूं जतिन, एक बार तो मेरे भी मन में आया कि उस इंसान का कॉलर पकड़ूं और उससे अपनी अक्का के साथ हुए अन्याय का हिसाब मांगू, पर दिल नहीं माना. प्यार बहुत बड़ा होता है जतिन, नफरत उसे जीत नहीं सकती. और मैं तुमसे प्यार करने लगी थी, पर झूठ तो झूठ ही होता है ना. हाँ, लेकिन बाकी सब तो सच है ना. हमारा प्यार, हमारी शादी, हमारा घर, हमारा बच्चा जतिन, एक नाम अलग होने से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है. तुम वो हो ही नहीं जैसे मैंने प्यार किया था. इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ये सब ऊपर वाले का प्लान. सोचो अगर तुम्हारी बहन के साथ कुछ गलत हुआ ही नहीं होता तो क्या हम मिल पाते? पर एक बात तो तय है कि झूठ से ना कभी पंगे मत लो, क्योंकि झूठ के बदले हमेशा झूठ ही मिलता है. क्या मतलब जतिन? मतलब ये कि मैंने भी तुमसे झूठ बोला. ऐसा झूठ? मैंने तुमसे बस अपना स्टेटस छुपाया, फाइनेंशियल स्टेटस. और इसके सपोर्ट में ना मेरे पास कोई दर्दनाक कहानी नहीं. सिंपल एक वन लाइन स्टोरी है कि मैं कोई जॉब नहीं करता. What? मैं कोई आईटी कंपनी में काम नहीं करता. बस मैं एक एक्टर हूँ, स्ट्रगलर हूँ. तुम्हें याद होगा मेरी माँ ने तुम्हें कई हिंट दिए. मेरा जतिन ना बहुत ही भीवा बच्चा है, मतलब दिल का बहुत अच्छा है, पर काम धंधे के मामले में अब... माँ यार क्या प्रॉब्लम है आईटी में? सब लोग तो वही काम करते हैं ना, और बिजनेस में धक्के नहीं खाते. हाँ तो गुस्सा क्यों कर रहा है? अब तुझे फैमिली बिजनेस नहीं ज्वाइन करना था तो मैंने कुछ कहा? मुझे तेरी खुशियों की परवाह है बेटा, पर ये तब की बात है जब तू सिंगल था. तू शादी कर रहा है तो मम्मी टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं हूं ना. वैसे ललिता बहुत समझदार है, वो सब संभाल लेगी. संभाल लेगी तो अच्छा है ना बेटा, ये तो आजकल के जमाने में तुझे तो पड़ता ही है खर्च. ओहो माँ, जमाना है नौना. प्लीज अभी नहीं, प्लीज बाद में. देखो आपको ललिता पसंद है तो आप बस डेट फिक्स करो. इसका मतलब हर महीने तुम जो मुझे सैलरी देते हो वो तुम्हें तुम्हारे भैया देते हैं? पर मैंने भैया से एग्रीमेंट किया है, जब मुझे काम मिल जाएगा मैं सारे पैसे वापस कर दूंगा. कब मिलेगा काम जतिन? कब आएंगे पैसे? और गारंटी क्या है? और जब तुम्हें ये सब कुछ पता था तो तुमने ये बेबी कैसे प्लान कर लिया? ललिता ये बेबी हमने प्लान नहीं किया, तुम जानती हो ऊपर वाले का प्लान है. आई थिंक एक इंसान का उसके सपनों को देखना, उसके पैशन को फॉलो करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसे नहीं. नहीं, पैसे इंपॉर्टेंट है जतिन, जिंदगी जीने के लिए पैसे इंपॉर्टेंट है. कल को हमारा बेबी होगा, मैं जॉब छोड़ दूंगी, तब क्या करोगे तुम? अपना बच्चा अपने भाई के पैसों पे पालोगे तुम? Stop it. अरे मुझे लगा कि तुम तो मुझे समझोगी, तुम तो बाकी सबकी तरह निकले यार. अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना, So let's not have this baby. क्या?
क्या कहा तुमने? Let's not have this baby, हाँ? मतलब गलती करो तुम, झूठ बोलो तुम, और भुगतान करे मेरा बच्चा? अपनी जान देकर हाँ? शर्म आनी चाहिए तुम्हें जतिन, शर्म आनी चाहिए। ठीक है। I think इससे पहले हमें और शर्म आए, we should separate. Wow, now you want to separate, हाँ? तुम तो अपने भाई से भी बदतर निकले जतिन। Stop it ललिता, मैं अपने भाई के बारे में कुछ नहीं सुनूंगी। हाँ कैसे सुनोगे? पैसे जो लेते हो भाई से। I think this is our last night. सॉरी सुबह सुबह आया हूँ, जतिन ने फोन किया। कोई बात नहीं भैया, आ जाओ जतिन, आओ। तुम क्या कह रही हो? मेरा घर है, ये तुम्हारा घर है, तुम दोनों के प्यार से बनाए ये घर। और खबरदार, जो इस घर को छोड़ने की बात की, तू भी सुन ले जतिन, उधर मत देख कि क्या चल रहा है, ये तो ना समझ है। लेकिन तुम तो समझदार हो ललिता, तुम्हें तो इस बात का एहसास है, प्यार किस्मत वालों के नसीब में होता है, समझ रहे? तो तुम क्या कर रहे हो? बस एक छोटा सा झूठ बोला, उसके लिए पूरा रिश्ता बर्बाद कर दोगे। और फिर ये झूठ भी तुम दोनों ने एक दूसरे से बोला, किसकी वजह से? मेरी वजह से। बढ़िया यार, आज बोल लेने दे मुझे ललित, मैं आज बता ही देता हूं तुम कि मैंने तुम्हारी बहन का दिल दुखाया है, उसका कल्प्रेट हूं मैं। और शायद हो सकता है तुम्हारी फैमिली में जितने भी दुख हो वो मेरी वजह से, पर बिलीव मी, मैं ये नहीं चाहता था। तुम्हारी तरह मैं भी अपने प्यार को पाना चाहता था, लेकिन कई बार वक्त आपका साथ नहीं देता। आई वॉज नॉट लकी। तुम्हें पता है, मेरी मॉम को साउथ इंडियन बहू मंजूर नहीं थी, कविता के पेरेंट्स को पंजाबी दामाद से इशू था, मैं क्या करता? लेकिन आउट ऑफ ऑल ऑड्स पता है हमने क्या किया? हमने डिसीजन लिया कि लेट्स गेट मैरिड। यू नो, एक उम्मीद थी कि शायद शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ तो होगा। एंड आई एम श्योर कि मैं तो अपनी माँ को जानता हूँ, माँ तो शादी के बाद जब कविता से मिलेंगी तो यू नो धीरे धीरे इट्स लाइक सब भूल जाएंगी वो। पर क्या हुआ? किस्मत, शादी को एक हफ्ता बचा था, पापा पास दबे, घर बिजनेस, वहां मां बैठी थी घर पे, शी वाज ऑल डिप्रेस्ड। सबको संभालने की जिम्मेदारी पूरी एक रात के अंदर मेरे ऊपर आ गई। मेरे सामने मेरा प्यार था, यह मेरा परिवार, मैंने अपनी फैमिली को चुना। क्या करता? मां ने एक शादी में गई थी और लड़की पसंद थी, मेरी शादी करा दी। मैंने कविता को कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर भी अपने दिल में अपने अरमानों को कहीं कोने में हमेशा के लिए बांध के रखते कि जस्ट कि सब खुश रहे यार। मुझे माफ कर दो, I'm sorry, seriously, I'm sorry. Please don't say anything, please accept. भाई साहब, आप इस भाई साहब को तो ना कभी मत छोड़ना। सुबह सुबह कहाँ गए थे बिना बताए? मॉर्निंग वॉक पे गया था। मॉर्निंग वॉक पे गए थे? मॉर्निंग वॉक पे गए थे? मैंने आप सबसे झूठ बोला, माफ कर दूं? कर दो। ऐसे भी प्यार में सब कुछ अलाउड था, और अब तो हमारे घर में नया मेहमान आने वाला है।
जतिन, ये सब तुमने किया है? अरे ये सब मैंने किया है अपने ग्रैंडसन के ग्रैंड वेलकम के लिए। क्यों, पसंद आया ना? नमस्ते ललिता। और बेटा मैं आपका नाम नहीं जानती। कविता। हाँ, और आपकी पूरी फैमिली से कुछ कहना चाहती हूँ। मैं ना, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। बोल लेने दे बेटा। मैंने ना आप लोगों के साथ बहुत नाइंसाफी की है, बिना सोचे समझे देखे मैंने बस अपनी राय दे दी, फैसला सुना दिया, ये भी नहीं सोचा कि से आप लोगों के दिल पर क्या बीतेगी। मैंने तो अपने बेटे के दिल की भी परवाह नहीं की, लेकिन मेरे गुरुजी जानते हैं और मेरा मन जानता है कि मैंने ये सब किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं किया, वो तो बस अनजाने में हो गया। लेकिन अब गलती की है तो माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी ना, इसलिए आज आप लोगों के रंग में रंग के मैं आपकी भाषा में कुछ कहना चाहती हूँ। वो मन्नी कवन, आई एम सॉरी। ठीक कहा ना? अरे क्या बताऊँ मैं, लोग मार्स तक चले गए हैं और मैं नॉर्थ से साउथ का डिस्टेंस भी कवर नहीं कर पाई, मेरे जैसा सच्ची में क्या बताऊँ। अरे मैं ऐसे क्या देख रहा है, चल सबको मिठाई खिला, इतनी सारी मिठाई आई हुई है। चल और